इस खबर से क्यों हिल गई बीजेपी? कौन है वो जो हत्याना चाहता है मोदी की कुर्सी? क्या अखबार में छपी खबर में दम है? बैठक में मोदी ने रोका तो कहा, निकाल कर दिखाएं आप। मंत्री का दावा, निकालेंगे तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। बीजेपी के वो मंत्री आखिर हैं कौन? कौन है जो बैठक में पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि मोदी की कुर्सी भी इमरान खान की तरह हिल सकती है। अगर देखा जाए तो ये खबर पिछले 8 सालों में सबसे बड़ी खबर है। हालांकि अखबार ने उस बीजेपी नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो मंत्री है कौन। और अगर ये सच है तो मोदी की कुर्सी के दुश्मन भी हैं और उस कुर्सी को हत्याने के लिए बेताब मंत्री भी हैं। पहले आपको बताते हैं कि इस अखबार में लिखा क्या है, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो मंत्री है कौन जो पीएम मोदी को उनकी कैबिनेट की बैठक में धमकी दे देता है। लेकिन पहले अखबार में लिखी इस खबर को देख लीजिए क्या छपा है जाने माने इस अखबार में। कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों की खबरों के बीच बीजेपी में भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर भारी मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों का खुलासा मोदी सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने अखबार से औपचारिक बातचीत में किया है। हम यहां उस कैबिनेट मंत्री का नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर इन मंत्री के बयानों की माने पीएम मोदी के साथ योजनाओं पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान जब इस मंत्री ने अपनी बात रखी तो पीएम मोदी ने उसे काटते हुए ऐसी बात कह दी कि इस मंत्री ने मोदी को धमकी दे दी। धमकी ये कि ताकत है तो वो उन्हें मंत्री परिषद से हटा दें। मंत्री ने दावा किया कि 252 सांसदों को अपने साथ ले जाकर वो मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो विचारधारा से बंधे हैं, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इस मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे यूपी के विधायक पंकज सिंह को मोदी ने योगी सरकार में मंत्री बनाने से रोका था। कल तक राजनाथ सिंह मोदी से बहस करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी समर्पण कर दिया। आगे आरोप लगाया कि मोदी आयकर, ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब उन्होंने मोदी की इस नीति का विरोध किया तब मोदी ने इसका जवाब दिया कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक वो इसी नीति के आधार पर पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान ये संकेत मिले कि अब मोदी और शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी अपनी प्रशंसा देखने में ही खुश होते हैं। संसद में उनके भाषण पर किसने कितनी तालियां बजाई, इसको भी मोदी अपने चैम्बर में बैठकर गिनते हैं। यानी जिस मंत्री ने मोदी की कैबिनेट में उनको धमकी दी वो राजनाथ नहीं है, कोई और ही है। इस खबर को देखने से पहले आपको महाराष्ट्र की राजनीति को भी समझना चाहिए। महाराष्ट्र में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ सभी एक हो जाते हैं। इसलिए अगर पंकज सिंह की कहानी को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि इसी हफ्ते शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर ईडी का छापा पड़ा तो सियासी सुनामी आ गई। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं। ईडी की छापेमारी से शिवसेना को नाराज होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी मंत्री क्यों नाराज हैं? छापे के बाद नितिन गडकरी, शरद पवार और शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के ठीक बाद पीएम ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात महज संजोग नहीं थी। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो आखिर मोदी का दुश्मन है कौन? भले ही ये खबर अखबार ने अब छापी हो, लेकिन ऐसी खबरें साल 2014 से चल रही हैं। सभी जानते हैं कि बीजेपी में कई बड़े चेहरे थे जो पीएम बनना चाहते थे, जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे था। ये अखबार महाराष्ट्र का है, पत्रकार भी महाराष्ट्र के हैं। ये खबर नागपुर में छपी है। नागपुर में कौन है ये आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो पीएम मोदी के खिलाफ कहानी रच रहा है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट काल हो सकता है, क्योंकि मोदी जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्योंकि मोदी को दूसरी बार किसी मंत्री या नेता ने पीएम नहीं बनाया, वो अपने दम पर चुनाव जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।